चांदी सिर्फ आभूषण के तौर पर ही कीमती नहीं है, बल्कि चांदी में स्वस्थ रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पुराने जमाने में लोग चांदी के बर्तन या केले के पत्तों में भोजन करते थे। चांदी के बर्तन में खाने वाले लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। जो बच्चे हमेशा चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं वो खासतौर से पेट से जुड़ी हुई बहुत कम बीमारियों की चपेट में आते हैं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए क्यों फायदेमंद है चांदी के बर्तन में भोजन करना। आज के समय में चाहे कितनी भी साफ सफाई रख लो, गंदगी अपने आप ही पीछे आ जाती है। खास करके बच्चे ज़्यादातर मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं, जिसके चलते वो अपने साथ कई गंदगी ले आते हैं। चांदी के बर्तन में खाना खाने से हम छोटे छोटे कीटाणुओं से बच जाते हैं। चांदी के बर्तन 100% कीटाणु रहित होते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा चांदी के बर्तन में खिलाना चाहिए, जिससे वह संक्रमण के शिकार ना हो। लेकिन ध्यान रहे कि चांदी के बर्तन में खाना खिलाने से पहले उन्हें अच्छी तरह साफ कर लें। चांदी के बर्तनों में पानी, दूध या कोई और तरल पदार्थ रखने से उनमें ताज़ापन आता है। पहले समय में पानी साफ करने के लिए वाटर फिल्टर नहीं होते थे, ऐसे में लोग पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वाइन को भी खराब होने से बचाने के लिए चांदी के जार में रखा जा सकता है। चांदी के बर्तन में खाना खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम आमतौर पर अपने घरों में जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उनका खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ अंश भोजन में मिल जाता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों के बराबर मजबूत नहीं होता, जिसके चलते ऐसा खाना खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, जबकि चांदी के बर्तनों में ऐसा नहीं होता है। इन बर्तनों में खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चांदी का बर्तन स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर को ठंडक भी देता है। जिस तरह चांदी की ज्वेलरी पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और गुस्सा भी शांत रहता है, इसी तरह चांदी के बर्तनों में रखी चीज़ें खाने से भी शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मी के मौसम में बच्चों को चांदी के गिलास में दूध पिलाने या खाना खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है।